गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज का वेदर, बाप रे, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना चैलेंज एंड टुडेज वेदर इज रेनी वेदर, धूप के साथ बारिश। वाह, व्हाट अ वेदर। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? So I'm again back with 75 heart challenge. So it's going to be 2.0 and aaj hai day 1. So I'm here to announce a few things and we'll continue with vlog today. Sabse pehle to morning pani, warm water with some lemon drops aapko lena hai morning mein, and a few things would like to clear, but before this let me have this. Why? Means why I started this again. Overall जो concept था 75 heart challenge का last time, first जब मैंने challenge लिया था, it was related to weight loss. But this time I am taking again this challenge to lose my belly fat. 75 heart challenge for me, it's not for weight loss. But of course those who are watching this, it's going to be बोथ फॉर देम, लाइक आप वेट लॉस भी कर सकते हो, आप बेली फैट भी कम कर सकते हो, बट मेरा पूरा फोकस बेली फैट पे होगा बिकॉज जब से 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट हुआ था उसके बाद से काफी स्किप हुआ है एक्सरसाइज। यस, मैं रूटीन में बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे एक्सरसाइज रूटीन में तो बिल्कुल नहीं। वॉकिंग मेरा ऐसा हो रहा है कि लाइक वीक में एक दिन वॉक हो जाता है तो लाइक 20,000-15,000 स्टेप्स हो जाते हैं एंड देन अगेन आई एम बैक टू बेड and I am facing all this problem, so I might again gain a lot of weight. So वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। फिलहाल तो मेरा वेट गेन नहीं हुआ है, जितना मैंने कंप्लीट किया था उससे बस 1 kg इंक्रीज हुआ है। मैंने कंप्लीट किया था 49 पे एंड राइट नाउ इट्स 50। तो मुझे वेट लॉस नहीं करना है, बट ऑफकोर्स मुझे मेरे रूटीन में आना है। I want to continue my exercise, I want to continue my walking routine and जो मेरा daily का routine था, जो I want to improve it and I want to be regular on my exercise. So this is a reason and this is the major reason to start once again the 75 heart challenge. It's not for you all, but it's for myself first and then if it help you guys then I will be very happy कि मेरी वजह से किसी की help हो रही है। But of course मैंने ये खुद के लिए challenge लिया है, खुद की जो routine है मेरी उसे improve करने के लिए। And अगर आप मुझे देख कर motivate होते हो, आप मुझे देख कर खुद भी start करना चाहते हो, then this is the perfect channel for you, I would say, because मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की सारी रूटीन शेयर करूंगी, कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जो मैं घर पे ही रह के फॉलो करती हूँ, और ये सारी एक्सरसाइज आपके वेट लॉस के लिए भी होगी, आपके बेली फैट के लिए भी होगी। अब वेट लॉस मुझे नहीं करना इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवरऑल एक्सरसाइज ना करूं, मुझे ओवरऑल एक्सरसाइज भी करनी है टू कीप माई सेल्फ फिट, बिकॉज फिट होना बहुत जरूरी है। और फैट मेरा जो है वो अदरक की तरह कभी यहाँ से वहां पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं मोटी हो रही हूँ। सो मुझे ये सारी चीजें अवॉइड करनी है एंड आई एम बिट लेजी नाउ। बस समझ लीजिए सारा रूटीन खराब हो चुका है। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग माय चैलेंज एंड टुडे इज द डे 1। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जर्नी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, रेसिपीज मिलती रहेंगी, काफी अच्छी अच्छी घर बैठे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वो मैं शेयर करूंगी। सो इन सब में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर से सब्सक्राइब करो, और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज मॉर्निंग विद वार्म वाटर, एंड वाटर के बाद मैं ट्राई करूंगी कि मैं पहले वॉक कर लूं। तो मैं 45 मिनट्स या हाफ एन आवर वॉक करूंगी मॉर्निंग में, एंड इसके बाद आई वुड गो विथ माई रूटीन। ब्रेकफास्ट शेयर करूंगी, लंच शेयर करूंगी, एक्सरसाइज शेयर करूंगी एंड एवरीथिंग, एंड वट एवर डिटॉक्स ड्रिंक आई एम गोइंग टू मेक इन दिस प्रोसेस। ओवरऑल 75 डेज का जो प्रोसेस है, इसमें जो भी मैं डिटॉक्स ड्रिंक शेयर करूंगी, जो भी मेरी रेसिपीज शेयर करूंगी, वो आप फॉलो कर सकते हो, वो आप भी यूज कर सकते हो अपने डाइट में। सो या बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वॉक।
सो मैं आ गई हूँ वॉक पर, देखती हूँ कितना देर तक करती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं ज़्यादा वॉक कर पाऊँगी आज फर्स्ट डे, बट लेट्स सी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आप मिल्क ले सकते हैं विद बादाम, एंड मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ चिला। सो ये है बेसन का वेजिटेबल चिला, इसमें मैंने वेजिटेबल्स में टमाटर, मिर्ची, धनिया और प्याज ऐड किया है, और इससे मैं कम से कम 2 से 3 चिला बनाऊंगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय ब्रेकफास्ट ऑफ द डे। साथ ही मैं आपसे लंच शेयर करती हूँ। तो लंच में आज मैंने बनाया रोटी एंड भिंडी की सब्जी, इसमें भी मसाले नहीं होते हैं, तो लंच ऑफ द डे बहुत सिंपल है। आप लंच में दही भी ज़रूर लें, तो आज मैं दही नहीं ले रही हूँ, बस रोटी सब्जी। हेलो, सो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, आज पहला दिन है तो मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होने वाली हूँ अपनी बॉडी के साथ, तो मैं सिंपल सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज पहले ही दिन अगर बहुत ज़्यादा पेन होगा तो कल से फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। सो थोड़े थोड़े एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करो, थोड़े थोड़े काउंट्स लो, बहुत ज़्यादा काउंट के साथ मत स्टार्ट करो। सो बिफोर स्टार्टिंग पहले अपना बेली फैट दिखाऊंगी आपको, सो दैट हम जब 75th डे पे चेक करें तो एटलीस्ट वी शुड हैव सम बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स। दिस इज द बेली राइट नाउ, ये बेली फैट कम करना है मुझे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम एक्सरसाइज। बिफोर स्टार्टिंग आई विल शेयर माई योगा सॉक्स, और इफ यू आर कन्फ्यूज कि लंच के कितने घंटे बाद आप एक्सरसाइज करो, तो आप 1 घंटे बाद कर सकते हो, बट मैं 2 घंटे बाद कर रही हूँ। चलिए मैं आपको सॉक्स दिखाती हूँ। सो दिस इज माई योगा सॉक्स, आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है और इससे बहुत ही प्रोटेक्शन मिलता है आपके फिट को। सो दिस इज माई सॉक्स। आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन द फ्लोर बिकॉज फाइनली रूटीन मैंने स्टार्ट किया है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। थोड़ा वार्म अप मैंने ऑलरेडी किया है, सो नाउ लेट्स बिगिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. गुड, जितना हो सके हाई जंप करो, एंड ओके पहला दिन है फाइन, 20 ठीक है, देखते हैं बाकी एक्सरसाइजेस भी हम 20 कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. हाँ फिलहाल तो ठीक है, 20 मैं कर पा रही हूँ। आई थिंक इन बिटवीन हम बीच बीच में कभी कभी मैं एक्सरसाइज करती थी, ऐसा नहीं है कि एकदम से छोड़ दिया था, बट वो रेगुलर नहीं था, तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं ये चैलेंज लूंगी तो शायद मैं डेली रेगुलर करूंगी, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। तो यस, अभी तो फिलहाल दोनों एक्सरसाइज ठीक है, बट रियल जो है वो कल पता चलेगा। सो थर्ड एक्सरसाइज सारे सिंपल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यस, इसमें थोड़ा सा डिजीनेस फील होगा, इवन आई एम फीलिंग। सो आप गैप लो हर एक एक्सरसाइज में 20 सेकेंड, 60 सेकेंड ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ओके सो इस एक्सरसाइज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई बिकॉज आपका हाथ है जो वो टच नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लोअर बॉडी फैट विल डू इट हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ओके सो इसमें भी प्रॉब्लम है बिकॉज नी को टच नहीं हो रहा है ये सो ओके सो देख रहे हो आप गाइस अगर आप स्किप करते हो एक्सरसाइज तो स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं शायद कुछ हो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी गुड ओके नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ओके नेक्स्ट आपको इस पोजीशन में वन मिनट होल्ड करना है
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. I'm done. Only 12 minutes? Oh, that's too less. ऐसे नहीं चलेगा. बड़ा पसीना देख रहे हो. तो पहले मैं 45 minutes कर लेती थी एंड मैं थकती नहीं थी. And now, do the exercise daily and I will get back to those timings now. मुझे कैसे भी 30 to 45 minutes करना है without any... आज मैंने डिनर में सोचा है दो चपाती एंड रायता खाऊंगी मैं. आई नो बहुत लोग बोलेंगे दही रात को नहीं खाना एंड ऑल, बट मैं खाती हूँ. मैं मुझे आदत है, बचपन से आदत है. सो मुझे एज सच दही से कोई भी इशू नहीं है. सो इसलिए मैं खा रही हूँ. बट येस, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है दही से. तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू यू गाइज, बट येस आई एम ईटिंग. सो मुझे कुछ लाइट ही खाना है. सो दो चपाती विथ रायता, ये मेरा डिनर होगा आज का. सो येस, आपके पास भी कोई टिप हो तो आप शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसे फॉलो करूंगी. बस एंड ऑफ द डे रिजल्ट चाहिए हमको, दैट्स इट. नाउ आई विल मीट यू इन डे 2. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस. बाय बाय.